अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल नसीम का जायका। आज हम लोग बनाने वाले हैं टेस्टी और हेल्दी मेथी के पराठे। तो सबसे पहले हम इस मेथी के पराठे में 2 ग्लास आटा लेंगे, उसमें आधा ग्लास हम लोग चने का आटा डालेंगे, थोड़ी सी अजवाइन, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, मेथी को बारीक बारीक काटेंगे और हरी मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालकर, पानी डालकर इसे पहले अच्छे से गून लेंगे। गून के मैंने इसे थोड़े टाइम के लिए रख दिया है, आधे घंटे के लिए। अब हम इसके पराठे बनाना शुरू करेंगे। गैस को ऑन करेंगे, सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे, इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, इसे गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम लोग एक छोटा सा आटे का जो है छोटा सा पेड़ा लेंगे, उसमें हम लोग पहले अंदर थोड़ा सा तेल डालेंगे, क्योंकि पराठे हैं तो पहले थोड़ा सा हम लोग तेल डालेंगे। उसे अच्छे से हम लोग प्रेस करेंगे, फोल्ड करेंगे, उसके बाद में इसे एक बेल लेंगे हम लोग। जिस चाहे उसी इसमें आप गोल चाहे तो गोल भी बेल सकते हैं, अगर हम लोग तिकोन चाहे तो तिकोन भी बेल सकते हैं। जब हमारा तवा अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो हम लोग इसमें ये पराठा डाल देंगे। एक तरफ इसे पहले हल्की तरफ से हल्का हल्का सेकने देंगे हम लोग, जब तक हम लोग हमारे दूसरे पराठे की तैयारी कर लेंगे। सेम उसी तरह हम लोग दूसरा पराठा भी बेलेंगे। जब इसमें ऊपर छोटे छोटे बबल्स आने शुरू हो जाए तो हम लोग इसे पलटी कर देंगे। अब इसे भी एक साइड पूरी अच्छी तरह से हम लोग पका लेंगे। जब ये एक साइड में पक जाए अच्छी तरह से तो हम इसे पलट देंगे, जब तक ये अच्छे गहरे ब्राउन हो जाए। दोनों साइड से आगे पीछे से हम इसे पहले अच्छे से पका लेंगे। अब इसमें हम लोग साइड से जो है तेल छोड़ेंगे ताकि अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए, अच्छी तरह से सिक जाए, और इसमें ऐसे हल्के हल्के कट्स लगा देंगे ताकि अंदर तक पक जाए। देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छी तरह से पराठा हमारा तैयार हो गया है। देखिए इतनी अच्छी तरह से ये फूल चुका है, दोनों साइड से अच्छी तरह सीख गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। इसमें हम लोग जो है अब इसमें अमूल बटर डाल देंगे, जिससे बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसी तरह हम दूसरे पराठे भी सेक लेंगे। हमारा दूसरा पराठा भी तैयार है, इसे भी हम लोग अच्छी तरह सेक लेंगे। किनारे पे हम लोग इसके अच्छे से डिप करेंगे ताकि अच्छे से फूल जाए। पलट कर हम दूसरे साइड भी सेक लेंगे इसे। देख सकते हैं हमारा
पराठा बहुत ही अच्छी तरह से पक चुका है। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है मेथी की भाजी से बने हुए पराठे। जो बच्चे नहीं खाते हैं वो भी इसे शौक से खाएंगे। अब हम लोग इसके साथ में थोड़ी सी दही सर्व करेंगे। दही जो है ये दही के साथ में ये पराठा बहुत ही हेल्दी और अच्छा है। इसमें भी थोड़ा सा बटर डाल देंगे। तो लीजिए तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी और हेल्दी पराठा। आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिए और बताइए कि आप लोगों का ये कैसा बना। ये मेरा पहला वीडियो है तो मैंने शुरुआत की हूँ। इंशाल्लाह अगर आप लोगों को पसंद होगा तो इसी तरह नए वीडियो और भी लेकर आएंगे। शुक्रिया, जज़ाकिल्लाह खैर।